हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, सर्कल से रिलेटेड जो एरिया चैप्टर है, ऑल राइट, उसका हम क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, एक्सरसाइज 12.2 है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे, समझा के करेंगे दोस्तों, और इसलिए आप बने रहिए। आपको अगर नहीं आ रहा है तो अच्छे से समझिए कैसे कैसे कौन सा क्वेश्चन बनता है, कहाँ क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, ताकि एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए और 100% है सर्कल से, तो आप जानते हैं एक तो सर्कल का तो बहुत सारा थ्योरम है और साथ ही साथ यहाँ पर एरिया है, तो यहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन आपको 5 से 10 नंबर का देखने को मिल जाएगा। तो आराम से सीख लीजिए। और ये सब क्वेश्चन ना, मतलब एरिया वगैरह निकालना क्या, अगर फॉर्मूला याद है आपको, हल्का फुल्का कंसेप्ट पता है, फॉर्मूला याद है, तो पूरा का पूरा नंबर दे जाएगा। ऐसा नहीं कि थ्योरम में हम कहाँ क्या ध्यान रखें, ना ध्यान रखें, क्या लिखें ना लिखें, इसमें आपको 100% नंबर दे के जाएगा। तो आइए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते दोस्तों। बेसिक्स, सर्कल का बेसिक्स क्या है, आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। सर्कल में बेसिक्स क्या है दोस्तों, सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कमफेरेंस क्या होता है जिसको पेरीमीटर भी कहते हैं, ठीक है, इसका क्वाड्रेंट क्या होता है, इसी टर्मिनोलॉजी सब का यूज़ करेगा। सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, ठीक है, यही सब चीज़ यहाँ पर यूज़ होगा। आर्क क्या होता है, अगर ये सब चीज़ आपको पता है ना, बेसिक्स इसका पता है, तो आप आसानी से हर क्वेश्चन को कर लेंगे। खैर, नहीं भी पता है तो आप आराम से देखिए, हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल, सेक्टर का ही एरिया निकालना है। चलिए पहले सेक्टर के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं दोस्तों कि सेक्टर क्या होता है। देखिए, सेक्टर, सेक्टर ऑफ ए सर्कल, सेक्टर ऑफ ए सर्कल ये क्या होता है ना, रीजन, वो एरिया, रीजन बाउंडेड बाय टू रेडाई। जो अगर कोई सर्कल का तो इन्फाइनाइट रेडाई हो सकता है, तो वैसा रीजन जो दो रेडियस एंड आर्क, मतलब अभी हम फिगर से बता दें दोस्तों, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा सेंटर ओ है, इस सर्कल में मान लीजिए हमारा सेंटर ओ है दोस्तों, यहाँ हम कई सारे रेडियस खींच सकते हैं। मान लीजिए एक रेडियस हम इधर खींच दिए, एक रेडियस हम इधर खींच दिए, ठीक, तो इस दोनों रेडियस के बीच में, इस दोनों रेडियस है ना, ये दोनों रेडियस है, आपको मैंने अनइक्वल लेंथ का लग सकता होगा, फिगर थोड़ा है अनएक्यूरेट इसलिए ऐसा लग रहा है दोस्तों। तो ये मेरा, ये रेडियस है, ये रेडियस है, इस दोनों रेडियस के बीच में, और ये जो आर्क है दोस्तों, ये जो आर्क है दोनों रेडियस के बीच में, जो आर्क है दोनों रेडियस के बीच में, जो आर्क है उसके बीच में जो भी एरिया है, उसके बीच में ये जो एरिया है ना, उसके बीच में दोस्तों ये जो एरिया है, इसका जो एरिया होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। आपने सुना होगा अगर कहीं बिग सिटी में, कहीं मेट्रोपॉलिटन सिटी में गए हैं, दिल्ली मुंबई इस समय, वहाँ पर जो कॉलोनी होता है ना, उसको सेक्टर में डिवाइड किया जाता है कि इस सेक्टर में, उस सेक्टर में, सेक्टर ए, सेक्टर बी, नोएडा सेक्टर 5, नोएडा सेक्टर 23, नोएडा सेक्टर 28, अट्टा मार्केट, ये सब, ये हमारा क्या है, यही हमारा है सेक्टर दोस्तों। मतलब रीजन बाउंडेड बाय दो रेडाई, दो रेडियस और आर्क के बीच का जो एरिया होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। खैर, आइए हमारे पास क्या है दोस्तों, रेडियस देख लीजिए, रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और एंगल दिया है 60 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ कैसे निकलता है ये सेक्टर का एरिया, कैसे निकालेंगे दोस्तों। हम जानते हैं पूरे सर्कल का एरिया कितना होगा, पूरे सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर होगा पूरे सर्कल का, मतलब आप पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो 60 डिग्री है, जो भी थीटा, थीटा का कितना होगा, तो थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपन 360, ये तो न्यूटन मेथड है, इसलिए जो सेक्टर का एरिया कितना हो जाता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला बस यूज़ कर दीजिए, एरिया ऑफ सेक्टर आराम से निकल जाएगा। आइए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस कितना दिया है, रेडियस हमको 6 सेंटीमीटर दिया, जो दिया है लिख लीजिए, और थीटा दिया है 60 डिग्री, ठीक, एरिया ऑफ सेक्टर आप तो जानते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब कैसे कैसे एग्जाम में लिखेंगे दोस्तों, एक एक स्टेप चलते हैं, ऐसे ऐसे आप लिखिए, एक नंबर भी नहीं कटेगा। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ऑल राइट। देखिए, थीटा, थीटा हमारा कितना है, 60 डिग्री है, 360 को 360 रखिए, इंटू पाई, पाई कितना रखिए, कुछ नहीं बोला है तो 22/7 रख लीजिए, इंटू रेडियस कितना हो गया, आर 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 होगा। अब काटिए ना, 6×6=36, 6 बार में कट जाएगा, 6×6=36, 6 बार में कट गया, ये कितना हो जाएगा, 22×6=132 ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों फर्स्ट का। सिंपल था, अगर आपको एरिया ऑफ सेक्टर नहीं पता है तो यहाँ से आप देख लीजिए, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है दोस्तों, एरिया ऑफ सेक्टर, ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है, थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। देखिए, क्वाड्रेंट आ गया, क्वाड्रेंट ये सब टर्म एनसीईआरटी का तो यही तो स्पेशलिटी है कि वो
हर एक क्वेश्चन में, प्रत्येक नए क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ नया टर्मिनोलॉजी यूज़ करेगा। क्वाड्रेंट क्या होता है, देखिए मान लीजिए सर्कल है, सर्कल को हम चार भाग में बांट सकते, चार बराबर भाग में, देखो एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, आपने पढ़ा होगा ठीक है, इसको क्वाड्रेंट कहते हैं। क्वाड्रेंट मतलब ये किसी एक का एरिया, किसी एक का एरिया निकाल दीजिए, सारा एरिया ठीक इक्वल ही होता है सर्कल का है, सर्कल अगर हम बराबर भाग में बांटेंगे दोस्तों ठीक है दो डायमीटर के बीच में, तो ये सब क्या बनेगा, उसका क्वाड्रेंट बनेगा, चार क्वाड्रेंट इसको बनता है ठीक है। आपने पढ़ा होगा, जो आप जब भी पढ़ते हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में तो पढ़े होंगे ठीक है। तो फर्स्ट किसी भी क्वाड्रेंट का सबका एरिया सेम होता है, सबका जो भी मतलब सारा का डायमेंशन सेम होता है तो सबका एरिया सेम होगा, किसी भी एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल देंगे हो जाएगा। कहने का मतलब चार क्वाड्रेंट का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, तो क्वाड्रेंट का एरिया मतलब एक का एरिया निकालना है कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाय फोर हो जाएगा, बस यही करना है, पाई आर स्क्वायर बाय फोर कर देना है। देखिए हमको क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है जिसका सरकमफेरेंस दिया है 22 सेंटीमीटर, सरकमफेरेंस दिया दोस्तों 22 सेंटीमीटर, जो दिया है लिख दीजिए सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हमको कितना दिया है 22 सेंटीमीटर। अब देखिए सरकमफेरेंस से ही चलते हैं, सरकमफेरेंस क्या होता है सर्कल का, टू पाई आर कितना दिया है 22 सेंटीमीटर दोस्तों, तो इसको लिखिए 2 इंटू पाई कितना होता है 22 बटे 7 इंटू रेडियस। कभी मतलब कन्फ्यूजन हो जाए कि पाई को हम 22 लेंगे या 7 लेंगे ना, क्या लेंगे मतलब 22 लें, 22 7 लेंगे या 3.14 लेंगे, तो थोड़ा सारा डाटा को देख लीजिएगा दोस्तों। अगर 11 का मल्टीपल में है जैसे 22 है तो अब 22 पर 7 ले लीजिए, 54 रहता, 66 रहता, ऐसे कुछ 154 रहता है, 11 के मल्टीपल में रहता था, आप 22 बाय 7 लीजिए, नहीं तो 3.14 ले सकते हैं ठीक है। जैसे रेडियस कहीं 10 दे दिया तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है, तो वहाँ 3.14 लेना पड़ेगा। तो यह थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है बेसिक, आप अगर मनाते जाएंगे क्वेश्चन तो आसानी से हो जाएगा। खैर यहाँ 22 सेंटीमीटर, 22 से 22 कट जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा दोस्तों 7/2 सेंटीमीटर। अब देखिए हमको क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब सर्कल का एरिया निकाल के फोर्थ कर दीजिए, या डायरेक्ट निकालिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाय फोर, मतलब पाई आर स्क्वायर निकाल के उसका फोर कर दीजिए। पाई कितना है 22/7, रेडियस कितना निकला है दोस्तों 7/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 49/2 का स्क्वायर कितना होगा 4, अपॉन में 4 है तो ये कितना 1/4 हो जाएगा, 7/49 ये कितना हो गया दोस्तों 22/7 अभी कुट जाएगा, 2×4 2×11 11/7 77 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर क्वाड्रेंट का एरिया हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखिए, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। देखिए कितना अच्छा है दोस्तों, हमारा जो क्लॉक होता है वो भी तो एकदम सर्कुलर होता है, उसमें जो सुई होता है एक प्रकार से उसका रेडियस हम मान सकते हैं ठीक है। तो मान लीजिए सुई अगर 12 पे है, मतलब 00 पे 12 पे है, वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कुछ देर के बाद यहाँ पर है, कुछ देर के बाद वहाँ चला जाएगा, कुछ देर के बाद यहाँ, कुछ देर आप देखिएगा ना, मिनट हैंड है, आवर हैंड है और सेकंड हैंड होता है, वो कुछ ना कुछ एंगल बनाते रहता आपस में। तो सिर्फ मिनट हैंड की बात कर रहा है, मान लीजिए कि हमारा घड़ी है, मान लेते दोस्तों कि हमारा घड़ी है, ये हमारा घड़ी है ठीक, मिनट हैंड पहली शुरुआत में, मान लेते ये हमारा सेंटर है, मिनट हैंड पहली शुरुआत में यहाँ होगा, यहाँ होगा मतलब 12 पे होगा ठीक। आप जानते हैं कि 12:00 मतलब अगर मिनट हैंड है उसको 5 मिनट ट्रेवल करना होगा, तो यहाँ पर 12 लिखा रहता है, यहाँ 1 लिखा रहता है, यहाँ 1 लिखा रहता है, यहाँ 2 लिखा रहता है, यहाँ 3 लिखा रहता है। जैसे यहाँ से यहाँ जाता है मिनट हैंड, हम क्या कहते हैं कि 5 मिनट हो गया है, तो 5 मिनट हो गया है, शुरुआत में यहाँ था अब यहाँ आ गया, तो ये कुछ ना कुछ एंगल ट्रेवल किया होगा, ये एंगल कितना ट्रेवल किया होगा तो निकाल सकते हैं ना। देखिए ना, मिनट हैंड की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, आवर हैंड की बात होगा तो आवर हैंड की करेंगे, सेकंड हैंड की बात होगा तो सेकंड हैंड की बात करेंगे, अभी मिनट हैंड मतलब मिनट हैंड का बात करेंगे। मिनट देखिए, मिनट हैंड का जो सुई होता है दोस्तों, ये जो मिनट हैंड का सुई है, ये जो मिनट हैंड का सुई है दोस्तों, ये क्या होता है ना, 60 मिनट में एक बार घूम जाता है। 5 मिनट होगा यहाँ जाएगा, 10 मिनट होगा यहाँ जाएगा, 15 मिनट होगा यहाँ होगा, 30 मिनट होगा यहाँ होगा, 45 मिनट यहाँ होगा, 60 मिनट यहाँ होगा, मतलब 60 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा लेता है, मतलब 60 मिनट में घूम जाता है 360 डिग्री। तो सोचिए तो 1 मिनट में कितना घूमता होगा, 1 मिनट में घूम रहा है कितना, 360/60 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना घूम रहा है दोस्तों, 6 डिग्री घूम रहा है। अब अगर क्वेश्चन कहेगा कि 5 मिनट घूम चुका है, कि मिनट हैंड 5 मिनट घूम चुका है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 5×6 डिग्री मतलब 30 डिग्री घूम जाएगा। यही कहेगा कि 30 मिनट घूम चुका है, तो 30 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना मिनट कहेगा आप 1 मिनट के जानते हैं, मिनट को उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो हम निकाल सकते हैं कि कितना डिग्री का एंगल बनेगा। खैर यहाँ क्वेश्चन हम देखते हैं, ऐसे ही अगर आवर हैंड का कहेगा तो आवर हैंड दोस्तों 12 घंटा में 360 डिग्री घूम जाता है, 360 डिग्री घूम जाता है, तो 1 घंटा में कितना घूमेगा, 30 मिनट, 1 घंटा में 30 डिग्री घूम जाएगा। देखिए द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ वही हो गया हमारा, रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट,
पाँच मिनट में मिनट हैंड कितना एरिया स्वेप्ट कर लेगा। ठीक है दोस्तों, पाँच मिनट में मिनट हैंड कितना एरिया स्वेप्ट कर लेगा। देखिए नेक्स्ट पेज पर हम करते हैं, पाँच मिनट में मिनट हैंड हमारा कितना एरिया स्वेप्ट कर लेगा उसको हमको देखना है। अभी बता देते हैं, एक मिनट, पेज बहुत ज़्यादा लिया गया है यहाँ पर, एक मिनट दोस्तों। देखिए लेंथ दिया है हमको, लेंथ ही उसका रेडियस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमको निकालना है कि एरिया स्वेप्ट स्वेप्ट इन पाँच मिनट, पाँच मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट हो जाएगा। तो पहले एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए ना, जैसे आप फिगर ड्रॉ कीजिएगा, फिगर ड्रॉ कर लीजिए दोस्तों, बड़ा ही आसान हो जाएगा। फिगर ड्रॉ कीजिएगा, ये हमारा सेंटर है, हमारा सेंटर है, ठीक है, कहीं ना कहीं शुरुआत में यहाँ होगा, कहीं ना कहीं शुरुआत में जो आवर हैंड होगा या मिनट हैंड है यहाँ पर होगा। पाँच मिनट के बाद कहाँ होगा सोचिए, पाँच मिनट बाद दोस्तों यहाँ पर होगा, पाँच मिनट बाद यहाँ होगा, यहाँ 12 होता है, यहाँ 1 होता है, पाँच मिनट बाद यहाँ होगा। तो ये एंगल हमको पता चल जाए तब ना, यही एरिया ना कवर किया है, यही एरिया ना कवर किया है दोस्तों। ये कैसा है देखिए ना, दो रेडियस और आर के बीच के एरिया को हम क्या कहते हैं, दो रेडियस और आर के बीच के एरिया को हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। तो ये एक सेक्टर वाला फिगर है, सेक्टर है, और सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, थीटा चाहिए। तो थीटा कहीं से पता कीजिए कि ये थीटा कितना है। ऑलराइट, देखिए हम जानते हैं, अभी आपको बताए थे कि मिनट हैंड लिखेंगे, मिनट हैंड के बारे में क्या लिखेंगे कि मिनट हैंड 60 मिनट में 360 डिग्री घूम जाता है, ऐसे लिखेंगे, एग्जामिनर समझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 60 मिनट में 360 डिग्री घूम जाता है, तो एक मिनट में कितना घूमेगा, एक मिनट में 360 भागा 60 मतलब 6 डिग्री घूम जाएगा। तो हमसे पूछा है पाँच मिनट में कितना एरिया ट्रेवल करेगा, तो 5 मिनट में 5 × 6 मतलब 30 डिग्री घूम जाएगा। तो हमारा थीटा कितना हो गया दोस्तों, 30 डिग्री। नाउ अब आइए, एरिया ऑफ मिनट हैंड स्वेप्ट एंड 5 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा रखिए 30 अपॉन का 360 इंटू पाई रखिए दोस्तों 22/7, क्योंकि रेडियस आप 14 देख रहे हैं ना, आर स्क्वायर मतलब 14 × 14 30 से ये कट जाएगा 12 में 7 × 2 = 14 2 × 6 = 12 2 × 3 = 6 2 × 7 = 14 कितना हो गया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये जो एरिया होगा, ये जो एरिया है दोस्तों, ये जो एरिया है ये कितना है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम ये सेक्टर का एरिया, इसका एरिया बताऊँ, सेक्टर का एरिया दोस्तों, ठीक है, मिनट हैंड 5 मिनट में 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कवर करेगा। ऑलराइट, अब आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। थर्ड नंबर हो गया, फोर्थ नंबर अच्छा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है कि ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल रेडियस 10 सेंटीमीटर। सर्कल का कॉर्ड तो आप जानते हैं, मान लीजिए सर्कल है तो ये कॉर्ड होता है, कॉर्ड क्या होता है, सर्कमफेरेंस को, सर्कमफेरेंस के जो दो पॉइंट को टच करने वाले लेंथ को हम कॉर्ड कहते हैं, जैसे डायमीटर सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर मतलब सर्कल है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर, उसका कॉर्ड जो है बनाता है राइट एंगल एट द सेंटर, सेंटर पर 90 डिग्री बनाता है। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग, तो उस कॉर्ड से रिलेटेड मतलब करस्पॉन्डिंग मतलब जुड़ा हुआ जो माइनर सेगमेंट है उसका एरिया निकालना है, जो मेजर सेक्टर है उसका एरिया निकालना है। यहाँ बता दिया कि पाई हमको 3.14 लेना है। तो ये दोस्तों जो जो दिया है उसको रखते हैं और करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए चलिए इस पेज में करते हैं, इस पेज को पहले इरेज कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमको फोर करना है। देखिए क्या दिया दोस्तों, रेडियस 10 सेंटीमीटर और राइट एंगल एट द सेंटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर। देखिए रेडियस बराबर 10 सेंटीमीटर और सेंटर पर 90 डिग्री, फिगर बना लीजिए, फिगर जितना बनाएंगे क्वेश्चन हमारे लिए उतना आसान हो जाएगा। एक कॉर्ड है, मान लेते हैं कॉर्ड हमारा ए बी है, ये कॉर्ड हमारा ए बी इस प्रकार का कॉर्ड है दोस्तों। सेंटर इसका कहीं होगा, सर्कल का सेंटर यहाँ पर है, कॉर्ड जो है सेंटर पर 90 डिग्री एंगल बनाता है, कॉर्ड जो है सेंटर पर 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो 90 डिग्री एंगल हम यहाँ पर बना देते हैं, 90 डिग्री एंगल यहाँ पर हम बना दिए दोस्तों, ये एंगल जो है 90 डिग्री है। ऑलराइट, ये कॉर्ड, ये रेडियस 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक। हमसे पूछा है माइनर सेगमेंट, सेगमेंट क्या होता है दोस्तों, सेगमेंट आप जानते हैं ना, सेगमेंट जो होता है, जैसे सेक्टर क्या होता है, सेक्टर होता है रेडियस, सेक्टर जो होता है, सेक्टर की अगर बात करें तो रेडियस और आर्क के बीच, ये आर्क है, रेडियस और आर्क के बीच का एरिया क्या हो गया हमारा, सेक्टर हो जाता है। सेगमेंट क्या होता है, कॉर्ड, कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया, मतलब ये जो एरिया है इसको हम क्या कह देंगे,
सेगमेंट एरिया। तो हमसे निकाल हमको निकालना है कि एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट इसका एरिया निकालना है, और साथ ही साथ माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, और साथ ही साथ हमको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर भी निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर का एरिया तो आसानी से निकाला जा सकता है, ये थीटा कितना है दोस्तों, थीटा हमको 90 डिग्री है, थीटा हमको 90 डिग्री है। तो मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा नीचे वाला क्या होगा माइनर सेक्टर होगा, और ऊपर वाला क्या होगा मेजर सेक्टर होगा। तो मेजर सेक्टर के लिए थीटा क्या होगा, थीटा फोर मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर के लिए थीटा कितना हो जाएगा दोस्तों, 360 माइनस का 90 डिग्री बराबर 270 डिग्री। ठीक है, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, पहले हम एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा दोस्तों, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा किसका, मेजर सेक्टर का एरिया थीटा कितना है, 270 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई हमको बोला है 3.14 लेने के लिए, रेडियस कितना है 10 है, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 हो जाएगा। देखिए इसलिए ना ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 जाएगा, 100 से 100 कट गया। तो कुछ ना कुछ ऐसा दिया ही रहता है कि डाटा कि आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाए, आपको भारी करने के लिए नहीं देगा वो। इसको काट लीजिए ना, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36 कट गया। यहाँ से ये 314 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, या 314 को 4 से भागा देंगे तो लगभग ये 78.5 हो जाएगा। 78.5 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 235.5 हो जाएगा, 5 cm². ये मेजर सेक्टर का एरिया निकल गया। ठीक, माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लीजिए, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर का एरिया क्या होगा, थीटा माइनर, ये मेजर था, थीटा माइनर अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सेम थीटा कितना है यहाँ पर, 90 डिग्री है, अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है, 3.14 इंटू 100 ले लेंगे, पॉइंट हटेगा नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कट गया, 9 × 4 = 36, 4 ये कितना हो जाएगा, 4 को अभी काटें 78.5, ये हो गया हमारा 78.5 cm², माइनर सेक्टर का एरिया निकल गया। अब देखिए हमको सेगमेंट का एरिया निकालना है दोस्तों, सेगमेंट हम बार बार बोल रहे हैं सेगमेंट, ये सेगमेंट, ये सेगमेंट दोस्तों, ये सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, इस पूरे के एरिया को, इस पूरे के एरिया में से, इस पूरे के एरिया में से हम ट्रायंगल के एरिया को घटा दें, ट्रायंगल के एरिया को घटा दें दोस्तों, तो हम वहां से निकाल सकते हैं। ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल देखिए दोस्तों, ट्रायंगल मान लेते हैं कि हमारा नाम देते हैं, चलिए फिगर को थोड़ा साफ करते हैं, ट्रायंगल का नाम दे दीजिए, ट्रायंगल का नाम देते हैं दोस्तों, मान लेते हैं ये हमारा ए है, बी है, ये ओ है, तो ओ बी ट्रायंगल हो गया। हमारे पास ट्रायंगल क्या है, इन ट्रायंगल ओ ए बी, आप देखिए ना कुछ ऐसा है, ओ पर 90 डिग्री है, ओ पर 90 डिग्री है, ओ है, ए है, बी है, ये 90 डिग्री है दोस्तों। तो 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेन्यूज होता है, और ये रेडियस 10 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया बराबर हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना हो गया 10, और हाइट भी कितना है 10 है, तो ये कितना हो गया 50 cm², मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया 50 cm². और हमको निकालना है माइनर सेगमेंट का एरिया, तो अब देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर के एरिया में से माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी या ओ ए बी। ठीक है, माइनर सेक्टर का एरिया हम ऊपर निकाले कितना 78.5, माइनस अभी निकाले हैं ट्रायंगल का एरिया 50, ये लगभग हो जाएगा आपका 28.5 cm². आसान क्वेश्चन था दोस्तों, आपको माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, सेगमेंट ये सब पता होना चाहिए। हमसे क्या पूछा था, मेजर सेक्टर का एरिया, मेजर सेक्टर, ये सेक्टर मेजर सेक्टर ये हो गया, तो हमको ये एंगल चाहिए, ये एंगल हमको पता है, ये 90 है, तो 90 में से 360 में से 90 कटेंगे तो ये कितना 270, बस 270 रख के मेजर सेक्टर का एरिया निकाल दिए। दूसरा हमसे पूछा था, फिर पूछा है कि हमको इस सेगमेंट का एरिया पूछा है, माइनर सेगमेंट का एरिया पूछा है दोस्तों, तो माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, ये नीचे वाला जो पूरा सेक्टर है, नीचे वाला जो माइनर सेक्टर है, इस पूरे एरिया में से अगर ट्रायंगल का एरिया को हम सबट्रैक्ट कर देते तो ये एरिया आ जाएगा। तो बस माइनर सेक्टर का एरिया निकाल दिया, माइनर सेक्टर का एरिया निकाल दिया, ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया। ट्रायंगल का एरिया निकालना बहुत आसान है क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल यहाँ 90 डिग्री, ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का हमको कोई काम नहीं होता है, बेस और हाइट का है, मतलब एक बेस हो जाएगा एक हाइट हो जाएगा, और दोनों रेडियस हमारा 10 है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दिए 50 cm². ठीक, माइनर सेगमेंट का एरिया, इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा इस पूरे सेक्टर का एरिया में से हम ट्रायंगल के एरिया को घटा देंगे, सेक्टर के एरिया में से हम ट्रायंगल के एरिया को घटा देंगे 28.5 cm². ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान था, इसको जरूर बनाइएगा, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन जरूर पूछेगा दोस्तों। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 है, इन ए सर्कल
ठीक है ना, इनर सर्कल, एक मिनट पहले इसको इरेज करते हैं। इनर सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, रेडियस 21 सेंटीमीटर है एंड आर्क सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। कोई आर्क जो है सेंटर पे 60 डिग्री बनाता है, हमको निकालना है लेंथ ऑफ द आर्क, दूसरा एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, और तीसरा एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कोण। ठीक है, जो जो पूछा है लिख दीजिए आराम से। चलिए स्पेस में बनाते हैं, स्पेस को पहले इरेज करते दोस्तों। कोई बहुत आसान क्वेश्चन होता है, यदि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सेक्टर सेगमेंट आर्क क्वाड्रेंट वगैरह सर्कमफेरेंस पायर स्क्वायर, तो बहुत आसान हो जाता है दोस्तों, बहुत आसान है। मेंसुरेशन का क्वेश्चन चाहे हो या सर्कल का एक क्वेश्चन हो, ये सब बहुत आसान है। देखिए ये दोस्तों मेरा ये रे ऑप्टिक्स जो आपका लाइट चैप्टर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, इसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके बोर्ड में, तो इसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, आप प्लेलिस्ट में जाके जो भी क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो पूछा जा सकता है, जो पूछा गया है, हम सारे क्वेश्चन को डाल दिए दोस्तों। मुश्किल से 4 से 5 क्वेश्चन है, कंसेप्ट भी बताए हैं, साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व कराए हैं, आप जाके जरूर उसको सॉल्व कर लीजिए ताकि एग्जाम में अगर आ जाए तो उसको आप सॉल्व कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, खैर हम अभी यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या दिया दोस्तों, कि रेडियस हमको दिया है 28 और थीटा जो कोई बना रहा है वो 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, हमको निकालना है कि लेंथ ऑफ आर्क, फर्स्ट निकालना है कि लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा, सेकंड निकालना है कि एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा, और थर्ड हमको निकालना है कि एरिया ऑफ सेगमेंट, वहाँ से जो सेगमेंट का एरिया बनता है करस्पॉन्डिंग जो सेगमेंट है उसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो पहले फोटो बना लीजिए, फोटो बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फोटो बन गया दोस्तों, सेंटर डाल दीजिए, सेंटर ओ है, एक कॉर्ड डाल देते हैं, कॉर्ड डाल दिए, और यही जो आर्क है ना, ये जो नीचे वाला आर्क है दोस्तों, ये आर्क यहाँ पर सेंटर पे 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो चलिए एंगल बना देते हैं 60 डिग्री। इसको इससे ज्वाइन कर दिए, इसको इससे ज्वाइन कर दिए, थीटा बना दिए 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री बना दिए। ठीक है, हमको इस आर्क का, ये जो आर्क है दोस्तों, एक मिनट हम इसको लेवल कर देते हैं पेन चेंज करके, हमको इस आर्क का दोस्तों, इसी आर्क का, चलिए पेन थोड़ा ब्रॉड कर देते हैं, ये जो आर्क है, इस आर्क का हमको क्या पूछ रहा है, तो लेंथ पूछ रहा है। तो देखिए लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क एल बराबर लेंथ ऑफ आर्क होता है दोस्तों, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का दो फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ आर्क बराबर दोस्तों आर थीटा, एक तो आर थीटा हो जाता है, ठीक, और क्या होता है थीटा को चेंज कर देता है, आर थीटा इंटू 2π/360, 2π/360, जब ये कहीं ये भी यूज़ करते हैं, कहीं ये भी यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ थीटा, थीटा को आपको चेंज करना पड़ेगा ना, तो थीटा को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 2π/360 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए पाई का वैल्यू होता है दोस्तों 180 डिग्री, और 2π मतलब 360 डिग्री, 2π मतलब 360 डिग्री, तो ऊपर 360 है तो नीचे भी 360 है ना, 360 कर दिए तो कोई फर्क हमको नहीं पड़ेगा, इसलिए 2π/360 कर दीजिए और आसान हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा, देखिए ना एल बराबर आर कितना हो गया दोस्तों, एल बराबर आर, आर हमारे पास कितना दिया है 21, थीटा कितना दिया है 60 डिग्री, इंटू 2π, 2 इंटू पाई कितना है होता है हमारे पास 22/7, और नीचे में 360 है, नीचे में 360 है, 6×6=36 से कट गया दोस्तों। ठीक है, 7×21 कट गया, 3×2=6 कट गया, 2×2 कट गया, ये कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर, एल आ गया हमारे पास 22 सेंटीमीटर, सिंपल। दूसरा हमसे पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर जहाँ थीटा कितना दिया हमको, थीटा दे दिया है 60 डिग्री, तो निकालिए एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई स्क्वायर, जितना बार फॉर्मूला लिखिएगा आपके लिए बेहतर होगा, आपको याद रहेगा, थीटा है 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई कितना लेंगे दोस्तों, 22/7 लीजिए, इंटू रेडियस कितना है 21 है, 21 इंटू 21 कर दीजिए, 6×6=36 कट गया, 7×21 कट गया, 3×2=6 कट गया, 2×11 कट गया, 21×11 कितना होता है 11×11, 11×22=21, 2×31 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2×31 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलराइट, अब हमसे क्या पूछ रहा है एरिया ऑफ सेगमेंट, देखिए दोस्तों तीसरा जो हमसे पूछ रहा है ना, थर्ड हमसे पूछ रहा है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, ये जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड है ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ पर करना पड़ेगा, ये जो कॉर्ड है ना, इस कॉर्ड से लगा हुआ जो सेगमेंट है इसका एरिया हमसे पूछ रहा है, इसका एरिया, तो अभी हम देखे थे सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया कैसे निकालेंगे दोस्तों, इस पूरे सेक्टर के एरिया में से, पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया को हम घटा दें, ट्रायंगल के एरिया को अगर हम घटा दें तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों दो तरीके से निकाल सकते हैं, अगर आप ऑब्जर्व कर पाएँ तो ये यहाँ का एंगल अगर 60 डिग्री है, ये एंगल अगर 60 डिग्री है और ये रेडियस है,
ये क्या है, रेडियस है हमारा, रेडियस है, ये रेडियस है, रेडियस है दोस्तों, तो ये क्या हो गया हमारा एक प्रकार से, ये जो भी रेडियस दिया 21 सेंटीमीटर, चलिए यहाँ लिखते हैं 21 सेंटीमीटर, 21 ये है 21, अगर साइड इक्वल है ना तो उसके सामने का एंगल भी इक्वल होता है, सामने का एंगल भी इक्वल होता है, कहने का मतलब ये तो 60 है तो ये दोनों मिला के भी कितना होना चाहिए 120 होना चाहिए, दोनों मिला के 120 आओ, उसमें भी दोनों क्या है इक्वल है, तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, तो ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड क्या होता है इक्वल होता है, मतलब ये भी हमारा क्या हो गया 21 सेंटीमीटर हो गया। एक तो डायरेक्ट कर सकते हैं कि अब इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपको पता होगा रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर, तो ये कितना हो गया रूट 3/4 इंटू ए कितना होता है, ए है 21, 21 का स्क्वायर कितना 441, तो ये कितना हो गया 441 रूट 3/4, या तो एरिया आपको 441 रूट 3/4 डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका एरिया, और सेक्टर के एरिया में से इसको घटा दीजिए, मतलब कितना घटा दीजिए 441 रूट 3/4 को घटा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा, और नहीं तो यहाँ 60 डिग्री था तो आपका काम बन गया दोस्तों, हाँ हाँ यहाँ 60 डिग्री था तो काम बन गया, लेकिन 60 डिग्री के अलावा कोई और होता तब क्या अप्रोच करते, तो उसको कहते हैं ब्रह्मास्त्र। तो आप ब्रह्मास्त्र अपनाइए, देखिए कि अगर 60 डिग्री आ गया तो ठीक है, नहीं 60 डिग्री नहीं आया तो हम तरीका क्या अपनाएंगे, 60 डिग्री वाला तरीका तो यहाँ भी अपना सकते हैं, लेकिन 60 डिग्री के अलावा कोई और एंगल आ गया तो हम वहाँ क्या अप्रोच लगाएंगे, शोभ हम बताते, देखिए जैसे जैसे है वैसे वैसे कर दिए, ठीक, ये हमारे पास 60 डिग्री है दोस्तों, ये 60 डिग्री है, ये मान लेते हैं ओ है, ये हमारे पास ए है, मान लेते हैं इसको बी मान लीजिए दोस्तों, ए बी है, तो क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम वहाँ से एक टेंजेंट डालते हैं, सॉरी टेंजेंट नहीं परपेंडिकुलर, ये एक परपेंडिकुलर डालते हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दिए, परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री बन गया यहाँ पर। अब देखिए ये मतलब मान के चलिए, आप मान के चलिए कि ये दोनों क्या होता है कंग्रुएंट फिगर होता है, ये दोनों फिगर क्या होता है दोस्तों कंग्रुएंट फिगर होता है, ठीक, और तो कंग्रुएंट होगा तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, बाइसेक्ट करता है, ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री, तो ये भी एंगल बाइसेक्ट करिए 30 डिग्री हो गया ऊपर में, ये 30 यहाँ 90 है, तो ये कितना हो गया 9 × 3 = 18, ये कितना हो गया दोस्तों 60 डिग्री हो गया। इस पॉइंट को मान लीजिए दोस्तों ये एम पॉइंट है, अब इस ट्रायंगल को हमको इसका एरिया निकालना है ना, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हमको बेस भी चाहिए और हाइट भी चाहिए, मतलब ये बेस भी नहीं पता है और हाइट भी नहीं पता है, देखिए यहाँ तो 60 डिग्री में पता है, लेकिन 60 डिग्री के अलावा मान लीजिए 20 डिग्री आ जाता 30 डिग्री आ जाता तब थोड़ा दिक्कत हो जाता, तो उसके लिए अप्रोच हम उसके लिए ये चीज़ अप्रोच आप अपनाइएगा कि वहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालना है, एंगल को इक्वल कर देना है और वहाँ से एक ट्रायंगल को बाहर कर लेना। देखिए दोस्तों यहाँ से आप क्या कीजिए, इस ट्रायंगल को बाहर कर लीजिए, एक मिनट, देखिए ये हमारे पास ओ है, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास दोस्तों एम है, हम अभी बताएं ये 60 डिग्री है कैसे आ गया, ये 30 डिग्री है और ये नीचे 90 है तो ये 60 होगा, ठीक है, और ये हमको पता है दोस्तों रेडियस इसका कितना है, इसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर, ये ओ ए, ओ ए रेडियस है ये 21 सेंटीमीटर, हमको ये और ये चाहिए, ठीक है, ये हमारा हाइट हो जाएगा दोस्तों जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है, यहाँ अभी परपेंडिकुलर समझिए, और ये हमारा बेस हो जाएगा, बेस तो पूरा होगा ए बी लेकिन आधा बेस ये होगा, हम इसमें क्या लगा सकते हैं, देखिए एक बार लगा दीजिए 10 60 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक का कंसेप्ट यहाँ यूज़ करेंगे, 10 60 कितना होता है, 10 60 होता है रूट थ्री, रूट थ्री क्या होता है परपेंडिकुलर ओपन बेस, परपेंडिकुलर ओपन बेस ये हो गया, बेस हमारे पास ये हो गया दोस्तों, तो परपेंडिकुलर अपन बेस पहली पहले 10 30 लगाइए दोस्तों, सॉरी साइन 60 लगाइए, साइन 60 एक पहले साइन 60 क्या होता है परपेंडिकुलर ओपन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओपन हाइपोटेन्यूज, साइन 60 क्या होता है रूट 3/2, परपेंडिकुलर क्या है परपेंडिकुलर हमारा पी है, हाइपोटेन्यूज दिया है 21, यहाँ से हम पी कितना निकाल लिए, पी निकाल लिए दोस्तों 21√3/2, अब पी पता चल गया, अब लगाइए 10 60, अब लगाइए दोस्तों 10 60, 10 60 कितना होता है √3/2, क्या होता है परपेंडिकुलर ओपन का बेस, परपेंडिकुलर हम ये निकाल लिए, हमको बेस निकालना है, तो यहाँ से बेस क्या होगा दोस्तों, बेस हो जाएगा हमारे पास 2/√3 इंटू 1060, √3/2 नहीं होता है 1060 होता है √3, 1060 होता है दोस्तों √3 = P/B, ठीक है, यहाँ से B कितना हो जाएगा P/√3, लिखिए ना B कितना हो गया P कितना है हमारे पास, यहाँ देखिए P है हमारे पास 21√3/2 और नीचे क्या है परपेंडिकुलर इतना हो गया, अब बेस कितना निकला है P/√3, तो P/√3 है, √3 से √3 कट गया, 21/2 निकला दोस्तों, ये क्या हमारे पास बेस, मतलब ये हमको निकला है 21/2, तो ए बी कितना हो जाएगा ए बी हो जाएगा दोस्तों 2 × B, मतलब 2 × 21/2, 2 से 2 कट गया, 21 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया ए बी, ये पूरा हमारे पास कितना हो गया 21 सेंटीमीटर, देखिए कितना झोल हो गया दोस्तों,
अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल से तो वहीं पर ये निकाल दिए थे, लेकिन मान लीजिए इक्विलेटरल के अलावा कुछ और होगा तो आपको ये सारा स्टेप करना ही पड़ेगा। ये भी हमको बेस निकल गया 21 सेंटीमीटर, ये बेस है। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, यहाँ से हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। दोस्तों एक पेज ले लेते हैं, एक पेज यहाँ पर ले लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए दोस्तों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना निकाले हैं 21, हाइट कितना निकाले हैं दोस्तों, देखिए ना ये जो हाइट आपका परपेंडिकुलर एक प्रकार से हाइट है ना, ये परपेंडिकुलर क्या हाइट है 21√3/2, 21√3/2 उतना ही आएगा जितना इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आया था, कितना हो गया 441√3/4 आएगा। वहाँ भी देखिए ना, यहाँ भी आप देखिएगा तो 441, यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ निकाले थे 441√3/4, कितना आसानी से देखिए एक बार में निकाल गया था। लेकिन उसके लिए हमारे पास ऑब्जर्वेबल पावर होना चाहिए, हम उसको ऑब्जर्व कर पाए। यहाँ 60 डिग्री है तो सब 60 होगा, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, लेकिन 60 के अलावा कुछ और होता तो फिर ये सारा अप्रोच करना पड़ता। खैर 441√3/4 हो गया। अब हमसे पूछा है कि एरिया ऑफ सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा दोस्तों, एरिया ऑफ सेगमेंट होगा कि एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। सेक्टर का एरिया कितना निकाले थे 231 माइनस अभी कितना निकला है 441√3/4, इतना ही हो गया था सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर इतना ही दिया है एनसीईआरटी में दोस्तों, तो यही रखिए ठीक है, तो बस यही लिख देंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, सारा क्वेश्चन आसान है, बस आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। ऑब्जर्व कैसे कर पाएंगे, जब बार बार क्वेश्चन को बनाएंगे ना तब, मतलब कहाँ π = π/7 लें, कहाँ 3.14 लें, ठीक है वो डाटा पे पता चल जाता है। जैसे यही क्वेश्चन था 60 डिग्री, अगर जिसको दिख गया दोस्तों यहाँ पर, जिसको 60 डिग्री यहाँ पर दिख गया तो वो ये सारा स्टेप नहीं करेगा, ट्रिग्नोमेट्री लगाने का मतलब गलती नहीं करेगा, वो क्या करेगा सीधे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ये 21 से ये 21 से ये भी 21 होगा, हाइट निकालने का यहाँ झंझट कौन पालेगा, तो √3/4 a² करके सीधे यहाँ आगे बढ़ जाता। तो यहाँ तक दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 तक किए हैं, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो जरूर आप उसको भी देखिएगा, प्लेलिस्ट पूरा बना हुआ है दोस्तों, अच्छे से बनाइए। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और हमारा टारगेट है कि आप मैथ में अच्छा स्कोर करें दोस्तों, तो उसके लिए होगा कि आप बार बार प्रैक्टिस करें। हम 10th का जो भी PYQ पूछा गया वो सब हम अपने वीडियो में अपलोड कर रहे हैं, आप धीरे धीरे साइंस मैथ सब चीज़ अच्छे से देखिए और पढ़ते रहिए दोस्तों। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।